तीन फरवरी को दो परीक्षाएं, एक जीएनएम परीक्षा है और एएनएम परीक्षा है, और फिर 4 तारीख को कृषि सुपरवाइजर की परीक्षा है। उसके बाद में फिर एक दौर है परीक्षाओं का जो चलता जाएगा मार्च तक, उसके बाद अप्रैल के अंदर भी। तो फोकस हमारा हर एक परीक्षा पर रहता है, हमारा ऐसा नहीं कि संविदा परीक्षा है तो उस पर कम फोकस है और लगातार जो रेगुलर परीक्षा है उस पर ज़्यादा, उस पर फोकस ऐसा नहीं है। हम सभी परीक्षाओं पर बराबर फोकस रखते हैं क्योंकि हर एक परीक्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए ज़ीरो टॉलरेंस है फॉर पेपर लीक एंड ज़ीरो टॉलरेंस फॉर नकल माफिया। तो यही कोशिश है कि इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि पेपर लीक से बचने के लिए हमने अभी हमारी जो संख्या है डेप्टी कोऑर्डिनेटर्स की बढ़ा दी है, वो कब कुछ सेंटर्स में डाला, पहले जाते थे 6 सेंटर में, अब वो कम सेंटर में जा रहे हैं। इसके अलावा पेपर को सिर्फ टाइम से ही वहाँ पहुँचना, ज़्यादा जल्दी ना पहुँचना ट्रेजरी से निकल कर, बच्चों को 1 घंटे पहले ही आने से रोक देना, उसके बाद में किसी अभ्यर्थी को किसी भी वजह से सेंटर में आने ना देना। तो ऐसे कई सारे हमने ये स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से जो संभावना एक होती है पेपर लीक की वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। एज़ फार एज़ नकल का बताया आपको मैंने कि हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे ताकि यदि कोई बच्चा उस नकल करता है या कहीं सेंटर में मास चीटिंग होती है तो हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से वो बात सामने आ जाएगी। इसके अलावा जो वहाँ पर एक फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है हर एक अभ्यर्थी की, वो सब बहुत ही अच्छे से गहन तरीके से की जा रही है पुलिस के द्वारा और हमारी एजेंसी के द्वारा। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो सिस्टम बना है वो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और बच्चों को भरोसा बढ़ेगा कि सारी जो परीक्षाएं हो रही हैं वो काफ़ी पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और जो बच्चे मेहनत करके आ रहे हैं सब वो बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे भी कोऑपरेट करेंगे। जो परेशानी होती है इसमें जल्दी आने के अंदर कपड़ों के चेकिंग के बारे में, उससे वो उसको बुरा नहीं मानेंगे और हमको सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे।